हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम फोगाट और आज हम जो है अपनी ASFR की यूनिट 3 पर फोकस करेंगे। उसको आज हम जो है शुरू से लेकर और कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में अपनी जो यूनिट 3 है, छोटी सी यूनिट है, उसको जो है एक डिटेल्ड एनालिसिस के द्वारा पूरा खत्म कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यूनिट 3 जो है हमारी, उसके अंदर जो हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे डिस्कशन के, वो रहेगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स की भाई जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है उसको डिस्कस करेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं यानी कि ट्रू ब्लड रिपोर्ट, कॉरपोरेट रिपोर्ट, CICA स्टैंप रिपोर्ट, ISB कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आज के लेक्चर में हम अपना डिस्कस करेंगे। तो हम अपने जो अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिट है वो हम जो है हमको समझना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जो रिपोर्ट्स हैं हमारी कॉरपोरेट रिपोर्ट, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट और ट्रू ब्लड रिपोर्ट, इनको जो है डिटेल में एक बार जो है पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है IASB और FASB के जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हैं यानी कि जो उनका फ्रेमवर्क है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है उस कॉन्सेप्ट को जरा जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो हमारा जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है वो है सेगमेंट रिपोर्टिंग का, जो कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 17 डील करता है, तो उसको भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है क्या। तो एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप टू कॉर्पोरेशन रिजल्टेड इन द इमरजेंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट। The concept got relevance due to various factors such as inception of company, form of organization, shift in the view from shareholders to stakeholders concept, increase in competition and surge in information needs of users. तो कहने का मतलब है जैसे जैसे companies, जैसे जैसे जो है हमारे business ideas का जो form है उसकी, उसका जब expansion हुआ, उसका जब विस्तार हुआ, एक दुकानदारी यानी एक sole proprietorship या one person company से लेकर जब वो एक multinational corporation ना सिर्फ एक गली में दुकान होने की बजाय एक पूरी दुनिया में जो है अपना business का जब उनका व्यापार जो है विस्तार हुआ, तो इस तरह जो है हमको जो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की नीड्स हैं वो इंप्रूव करने पर मजबूर होना पड़ा। तो वो चीजें हैं जो यहां बताई गई हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी टू इट्स डाइवर्स स्टेक होल्डर्स सच एज इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट एंड सप्लायर्स एक्सेट्रा। तो जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उनको इस तरह से जो है रिपोर्ट करना जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके अंदर जो प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जैसे एक साल हो गया, क्वार्टरली हो गया, जो है हाफ ईयरली हो गया, बाई मंथली हो गया, इस तरह के जो है अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स हो सकते हैं। तो कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है टाइम फ्रेम को कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल जो हमारी रिपोर्ट्स हैं उनको जब हम जो है अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, इस तरह की जो बॉडीज हैं, क्रेडिटर्स हो गए, जो है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इन्वेस्टर्स हो गए, तो वो चीज़ें हैं उनको जब हम रिपोर्ट करते हैं, दिखाते हैं कि भाई देखिए ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, ये हमारी जो है लिक्विडिटी सिचुएशन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो हमारा फ्यूचर का ग्रोथ जो एस्पेक्ट है वो कितना है, हमारा ग्रोथ ट्रेंड क्या है, हमारा जो है अगर डिक्लाइन स्टेज में है तो वो सब चीजें हैं। तो हर चीज जो है हम जो रिपोर्ट करते हैं, दर्शाते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो है हिस्सा बनती है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा फाइनेंशियल साइकिल होता है उसके अंदर लास्ट का जो पोर्शन होता है, जो हम जब बैलेंस शीट पे आ जाते हैं, फाइनेंशियल या फाइनल अकाउंट्स पर आ जाते हैं, तो उनका जो सोल पर्पस होता है वो रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन होता है, तो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है। दैट कम्युनिकेट्स अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फाइनेंशियल एंटिटी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो वही जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स जैसे कि मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, CEO, CTO, CFO, एम्प्लॉइज, इस तरह से जो है, और जो एक्सटर्नल यूजर है गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, जो है हमारे बैंक्स हो गए, जो स्टॉक मार्केट है वो हो गया, और जो है इन्वेस्टर्स जो है वो हो गए। तो वो चीज़ें हैं उनको जो है हम अपनी रिपोर्ट्स जो है अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दिखाते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के द्वारा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंक्लूड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो देखिए जो भी चीज़ें होती है ना, वो जो है जैसे मान लीजिए मैंने जो है प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, तो उसके अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट होता है ना, उसके अंदर कभी भी कोई भी चीज़ डिटेल में नहीं दिखेगी आपको। उसके अंदर जो है प्राइमरी हेड्स दिखेंगे सिर्फ, और उस प्राइमरी हेड के अगेंस्ट जो है ना प्राइमरी हेड फिगर्स के बीच में जो है एक आपको शेड्यूल नंबर या नोट नंबर की जो है एक पंक्ति मिलेगी, उसके अंदर जो है उनका जो है एक नंबर मेंशन किया जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं शेयर होल्डर्स फंड की बात करूं, उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करूं, तो वो नोट नंबर 1 में दिया होगा। तो जो जब आप नोट नंबर 1 पे जब जाएंगे उसको एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखेंगे वहां पर जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो है पूरी डिटेल जो है वो दी हुई होती है। तो ऐसे जो डिटेल नोट्स होते हैं
प्राइमरी हेड्स के, उनको बोला जाता है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसे ही बैलेंस शीट का होता है और ऐसे ही अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का जो अब नया फॉर्मेट आ रखा है उसके अंदर भी नोट्स जो है वो डलते हैं। तो क्वार्टरली एंड एनुअल रिपोर्ट, जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती हैं और जो एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं हमारी, वो प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर हमारे जो है शेयर्स के बारे में जो है मेंशन किया जाता है, हमारी ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब कितनी है, इशूड कितनी है, ये सब चीजें जो है वो चीज मतलब एक तरह से एक ओवरव्यू जो है हमारी कंपनी का वो इसके अंदर दिया जाता है। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, जो मैनेजमेंट की डिस्कशन है, जो जनरल मीटिंग्स हुई हैं, जो बोर्ड मीटिंग्स हुई हैं, उसके जो मिनट्स हैं, उसके अंदर क्या क्या हमने अपने ग्रोथ के बारे में डिस्कस करा है, जो हमारा कैपिटल इनटेक आया है उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, अपने फ्यूचर जो प्लान बिजनेस ऑपरेशंस है उसमें कोई कैपिटल एसेट लेना है, इस तरह की जो मेजर जो सब्सटेंशियल चीजें हैं जो बोर्ड मीटिंग्स में या जो जनरल मीटिंग्स में है या एजीएम्स में है उनमें डिस्कशन किया जाता है। जो स्टैट्यूटरी ऑर्डर की जो ऑडिटर की जो रिकमेंडेशन है उनको जो है यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है एक ए टू जेड जो है पिक्चर जो है वो इन्वेस्टर्स और फॉरन पार्टी जो बैंक है गवर्नमेंट है उनके सामने जो है वो जो है दिखाई देती है कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, ये उनके जो है डिटेल जो है नोट्स दिए गए हैं, जो क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो प्रोवाइड की गई हैं, कंपनी का जो है ओवरव्यू प्रोवाइड किया गया है और जो है मैनेजमेंट ने क्या क्या डिस्कस करा और मैनेजमेंट की अपनी क्या एनालिसिस है और मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सेज है ऑडिटर स्टेटमेंट या ऑडिटर जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उनको लेकर। द फर्स्ट पब्लिकेशन विच अटेम्प्टेड टू फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वॉज एपीबी स्टेटमेंट नंबर 4, बेसिक कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इन 1970 यूएसए। तो एक फैक्ट की बात बताई गई है यहाँ पर। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट्स हैं जो है, उनका जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका जो है पर्पस क्या है। टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन फेयर वे इन कंफर्मिटी विद गैप। तो जो वही बात है कि आप जो जो उनका ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि जो फाइनेंशियल हमारी पोजिशन है उसको जो है हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बिल्कुल अकॉर्डेंस में जो है प्रेजेंट करें। अनदर ऑब्जेक्टिव इज टू फर्निश ऑथेंटिक पर्टिकुलर अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू assess its स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो यहाँ पर एक जो है SWOT analysis किया जाता है अपनी जो है फाइनेंशियल पोजिशन को देखकर, यानी कि हमारी जो स्ट्रेंथ वीकनेस है उनको जो है परखा जाता है, जो स्ट्रेंथ है उनको प्रमोट किया जाता है और जो वीकनेसेज हैं उनको जो है अपना किसी तरह से मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद टू प्रेजेंट ऑथेंटिक पर्टिकुलर अबाउट वेरिएशन इन रिसोर्स पोजिशन एज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट डायरेक्टेड एक्टिविटी अंडरटेकन बाय एंटरप्राइज इन ऑर्डर टू रिवील इट्स लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेड डिविडेंड रिटर्न टू इन्वेस्टर्स एंटरप्राइज पोटेंशियल टू पे इट्स ग्रेटर एंड सप्लायर। तो एक जो है जब ट्रू एंड फेयर जो है पिक्चर जो है हमारे सामने आती है तो उससे जो है हमारी जो एक रिसोर्स पोजिशन है, यानी कि हमारे पास कितना पैसा है, हम उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो इससे जो है हमारे को ना एक जो आइडिया लग जाता है कि भाई कंपनी की जो आगे आने वाला जो टाइम है वो प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी किसी ऐसे प्रोस्पेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है जिस प्रोस्पेक्ट का आगे जो है भविष्य नहीं है, जैसे कहने की बात बताऊँ जैसे BSNL है, तो मेरे को बड़ी खुद ये बात जानकर हैरानी हुई थी कि BSNL का जो है अभी तक 4G जो है वो नहीं आया है और वो आने में अभी और एक दो साल जो है लग जाएंगे। तो इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हैं, चूंकि BSNL देखिए जो है पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी है, तो हो सकता है वो अपनी किसी तरह मैनेज कर ले ये चीज़ें, बट एक प्राइवेट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप सोच के देखिए 5G के टाइम में जापान जैसे कंट्रीज में 6G जहां पर ट्रायल बेसिस पे चल रहा है, वहां पर अगर एयरटेल जो है अपना 4G नेटवर्क लाने में ही एक दो साल का और टाइम ले ले तो फिर वो जो है कंपनी जो है वो एक बिल्कुल लॉस मेकिंग जो है एक आइडिया हो जाएगा और उस कंपनी में कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होगा। तो उस तरह की चीजें हैं। और ऑन दी अदर हैंड जैसे जो रिलायंस जियो है, रिलायंस है वो अपना जो है 6G स्पेक्ट्रम में इन्वेस्ट करने के लिए पूरी जो है तैयार है, उसके अंदर वो अपने बिजनेस प्लान्स जो है उनको जो है लेआउट करने में लगी हुई है गवर्नमेंट के साथ मिलकर, बाकी कंपनीज के साथ मिलकर। तो उस तरह के जो फ्यूचर रिलेटेड जो है जिसके अंदर दिख रहा है कि भाई देखिए फ्यूचर में इन्वेस्ट किया जा रहा है, सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट किया जा रहा है, रिन्यूएबल सोर्सेज में इन्वेस्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो इस तरह के जो प्रोस्पेक्ट हैं जो फ्यूचर में प्रॉफिटेबल साबित होंगे वो चीजें जो है कंपनी की जो है रिसोर्स जो है उस जगह पर अगर लगाती है कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो वहां पर जो है एक ऑथेंटिसिटी रिलायबिलिटी जो है वो हमें इन्वेस्टर्स को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे वही कहा गया है ये चीजें जो है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाती हैं कि जो है कंपनी ने अपना जो पैसा है, जो रिसोर्स एलोकेट किए हैं वो कहाँ पर एलोकेट करा है। अगर वो अच्छी जगह करे हैं जो फ्यूचर में करे हैं तो यानी कि वो फ्यूचर में प्रॉफिटेबल होगी, अगर वो ऐसी जगह करे हैं जहां पर जो है लॉस मेकिंग इंडस्ट्री है कुछ इस तरह है तो वहां पर जो है वो जो है प्रॉफिटेबिलिटी वहां पर बहुत शॉर्ट टर्म रहेगी या रहेगी नहीं, तो उस तरह की चीजें। फॉलोइंग आर द क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल जो है अकाउंटिंग। तो क्वालिटेटिव जो है ये तो जो थे ना ये थे क्वांटिटेटिव मतलब जो है सॉरी ये एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव थे, यहाँ पर जो है एक क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव है यानी क्वालिटी बेस्ड क्या उनकी जो है फीचर्स रह सकते हैं वो चीज़। रेलिवेंस मीन्स प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन विच इज मोर रेलिवेंट एंड मोस्ट लाइकली टू असिस्ट यूजर्स इन मेकिंग द रैशनल डिसीजंस। बिल्कुल सही बात है, रेलिवेंट जो है वो एक रेलिवेंसी जो है वो एक अपने आप में एक बहुत जो है बढ़िया ऑब्जेक्टिव है, एक प्राइमरी गोल रहता है फाइनेंशियल हमारे स्टेटमेंट्स का, ताकि जो है
जितनी आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करेंगे यूजर्स को, उतने ही रेलिवेंट डिसीजंस वो इन्वेस्टमेंट को लेकर या कोई भी जो है इकोनॉमिक डिसीजंस हैं उनको लेकर वो अपना ले सकेंगे। उनके लिए भी आसान हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा और अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। तो उसके बाद आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कहने का मतलब है जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो जो है आपकी अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए यूजर्स को। ऐसा ना हो कि आपने बहुत सोफिस्टिकेटेड जो है तरीके से अपने अकाउंट्स को पेश किया है, वो चीज़ें जो है अब जो है रेक्टिफाई करी जा चुकी हैं IFRS और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के द्वारा। तो इन्फॉर्मेशन को जो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को अब अंडरस्टैंडेबल बनाने की पूरी कोशिश रहती है। मीन्स दैट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी इंटेंजिबल along with characteristics of being understandable to its users. Verifiability means the capability of measures to establish that particular represent what it claims to represent or that the measurement method adopted is error free or unbiased. बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब है कि देखिए कोई भी चीज़ को आप वेरीफाई कब कर सकते हैं? वेरीफाई तब किया जा सकता है जब जो चीज़ आपको बताई जा रही है वो चीज़ एक्चुअली में वैसी ही आपको दिखाई दे रही है। अगर मैं कहूँ कि एक जो है अपना जैसे यहाँ पर जो है यहाँ पर वेरीफाइबिलिटी शब्द लिखा है, तो आप इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि इस चीज को देख करके हाँ भाई यहाँ पर वेरीफाई शब्द ही लिखा हुआ है। तो एक ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर की फिर से बात आ जाती है कि जो है उसको उसी तरह से रिप्रेजेंट किया गया है और उसको उसी तरह से एक इंटेंडेड वे में जो है यूजर्स जो है उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। तो ये वेरीफाइबिलिटी जो है एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है। न्यूट्रैलिटी मीन्स द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड कीपिंग इन व्यू द नीड्स विच इज सिमिलर टू यूजर्स रादर देन स्पेसिफिक नीड्स ऑफ फ्यू यूजर्स। तो जो शेयर होल्डर टू स्टेक होल्डर का कॉन्सेप्ट है वो भी एक्जैक्टली इसी तरह है। पहले जो होता था वो सिर्फ शेयर होल्डर्स को मद्देनजर रखते हुए जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ड्रॉ की जाती थी कि हमारे जो जिन लोगों ने हमारे में पैसा इन्वेस्ट करा है सिर्फ वही लोग जो है हमारे जो है इंटरेस्टेड पार्टीज कहलाएंगी, वही लोग जो है हमारे मालिक कहलाएंगे। लेकिन अब दुनिया का जो जो पर्सपेक्टिव है वो चीज़ों को लेकर बदल गया है। अब जो पर्सपेक्टिव है वो मॉनेटरी टर्म्स में ना लेकर एक इंटरेस्ट के टर्म में लिया जाता है। इंटरेस्ट का मतलब है जो जो मेंटल इंटरेस्ट है, जो साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट है। जैसे मेरा किसी पर्टिकुलर बुक में इंटरेस्ट है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जो इंटरेस्ट का लिटरल मीनिंग है उसके जो है टर्म्स में लिया गया। और जब इंटरेस्ट को जो है मीडियम बनाकर जब हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा तो उसमें शेयर होल्डर्स का नाम ना ऐड करके स्टेक होल्डर्स का नाम ऐड किया। क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी जो है वो हम जो है शॉर्ट टर्म नहीं सोचती है, वो लॉन्ग टर्म सोचती है। तो आज कोई अगर अननोन बंदा है वो कल को इन्वेस्टर बन सकता है, गवर्नमेंट है वो हमारी काफी बड़ी इन्वेस्टर हो सकती है, और जो अपना जैसे गवर्नमेंट है कई बार हमारा जो है लास्ट रिजोर्ट का जो है वो बन जाती हैं, सेवियर बन जाती हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं। जो बैंक्स हैं वो हमारे फ्यूचर इन्वेस्टर्स हो जाते हैं, प्रोमोटर्स हो जाते हैं, उस तरह की चीज़ें हैं। तो हमें जो है जो अपने फ्यूचर को देखकर लॉन्ग टर्म को देखकर जो है चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो उस टाइम पर जो है हमें न्यूट्रल रहना पड़ता है। तो हमें सिर्फ कुछ यूजर्स की या कुछ लोगों की जो है नीड्स को फुलफिल नहीं करना। हम एक MNC है, हम एक कॉरपोरेशन है, हमको यहाँ पर हज़ारों अननोन लोग जो हैं जो हमसे जो हमें अभी नहीं मालूम है इन्वेस्टर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हमसे किसी भी जो है तरीके से सकते हैं, उन चीजों को जो है हमें देखकर जो है काम अपना करना पड़ता है। तो न्यूट्रल रहना पड़ता है, डिस्पैरिटी की जो है यहां पर कोई जगह नहीं है। टाइमलीनेस मींस द इंफॉर्मेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू इट्स यूजर फॉर मेकिंग डिसीजन बिफोर इट लूजेस इट्स स्कोप। जी बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि जो मेरी 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो मैं आपको 23-24 में जो है दूं तो उसका कोई जो है फायदा नहीं रह जाता है। तो 2021 की अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, अब मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे जो कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्ट करें, तो मुझे जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो रेलिवेंट टाइम पीरियड है यानी कि 2021 का है, तो मुझे बाय अर्लीस्ट जो है वो अपने 21-22 के ड्यूरेशन में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है अपनी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो वो टाइम जो है वो फैक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर कि जितनी जल्दी आप जितनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकेंगे उतना ही आपके लिए जो है एक जो है फ्यूचर जो है ब्राइट हो सकता है। कंपेरेबिलिटी इंप्लाइज दैट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कंपेरेबल विद पीयर कंपनीज। जो है कंपेरेबिलिटी यहाँ पर बात आती है कि दो चीज़ें जो है आपस में, दो कंपनीज की जो स्टेटमेंट्स हैं, दो कंपनीज की जो फाइनेंशियल पोजिशन हैं वो कितनी कंपेरेबल बनाई जा सकती हैं, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है। कंप्लीटनेस जो है कंप्लीटनेस जो वही कंप्लीट होनी चाहिए चीज़ें। अगर आप इनकम्प्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका क्या रेलिवेंस है, तो बात वहीं घूम फिर के जो है रेलिवेंस पे फिर से आ गई। तो ये चीजें हैं रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, न्यूट्रलिटी, टाइमलीनेस, कंपेरेबिलिटी और कंप्लीटनेस। ये चीजें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स जो हैं आप एज इट इज जो है याद करेंगे तो आप अपने एग्जाम को जो है अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो आपका एग्जाम भी जो है वो एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में होना चाहिए कि आपके आंसर जो है रेलिवेंट हों, आंसर अंडरस्टैंडेबल हों आपके एग्जामिनी को,
जो है एग्जामिनर को वेरीफाइबल हो, जो आपके आंसर्स हैं वो वेरीफाई किए जा सकते हैं, जो आंसर की आती हैं उनसे न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, आप किसी जो है आपके जो आंसर्स हैं वो बायस ना हो, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है तो वो न्यूट्रल होने चाहिए, और जो आपकी जो आपका जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो एक टाइम पे प्रॉपर जो है 3 घंटे का जो आपको टाइम लिमिट दी जाती है उसके अंदर पूरा हो जाना चाहिए, और आपका जो पर क्वेश्चन है उस हिसाब से जो है टाइम के हिसाब से जो है आप डिवाइड करके चलेंगे तो आपका जो है आंसर जो क्वेश्चन पेपर है वो प्रॉपर टाइम पे पूरा हो सकेगा, आपका जो क्वेश्चन है वो कंपेयर किए जा सकते हैं। देखिए अगर आप अच्छे अटेम्प्ट करेंगे तो आपके क्वेश्चंस आपके जो आंसर्स हैं आंसर शीट को एक तरह से कंपेयरिंग स्टेटमेंट की तरह भी जो है देखा जा सकता है कि भाई देखिए इस तरह से जो है ये एक स्टैंडर्ड है कि भाई देखिए आपको इस तरह से जो है अपने आंसर्स जो है कंपेयर करने हैं, और अगर आपके जितने ज्यादा आंसर्स ठीक होंगे तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है हो सकता है वो अपने आप में ही एक आंसर की तरह जो है एक रिप्लेसमेंट की तरह यूज किया जा सके, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हो सकती हैं, और आपके आंसर जो है कंप्लीट होने चाहिए। अगर क्वेश्चन पेपर में आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो वो 5 क्वेश्चन जो है आपके अटैम्प्ट होने चाहिए। तो मैंने आपको जो है बहुत कॉमन एग्जाम्पल के द्वारा आप जो अपने एग्जाम में लिखते टाइम भी जो है इनको बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे, आप अपना जो आंसर है लिख रहे हैं तो आपको अगर मैं जो आप मेरा लेक्चर अगर आपने ये बात सुनी है तो आपको ये जरूर से याद आ जाएगा कि हम जो है अपने जो जिस तरह एग्जाम अटैम्प्ट करते हैं उसी तरह जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हम ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हैं, तो वही चीज है। उसके बाद आते हैं डेवलपमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप जो है क्यों किया गया, क्या वो चीजें हैं हम इसमें पढ़ेंगे। वेरियस अकाउंटिंग एंड प्रोफेशनल बॉडीज अराउंड द वर्ल्ड हैव एंडेवर टू डिस्क्राइब द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्टिंग अलोंग विद इट्स ऑब्जेक्टिव व्हिच आर एसेंशियल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। तो जो बहुत सारे लोगों हैं जो लोग हैं जिन्होंने जो है रिसर्चर्स हैं जिन्होंने जो है अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग इन सब को जो है एक जो डिस्क्राइब करने की डिफाइन करने की डिटेल फॉर्मेट में जो है इनको कोशिश करी है इनके ऑब्जेक्टिव्स को बताने की कोशिश करी है, तो ये एक जो है अभी भी ओपन एंडेड जो है अभी डिस्कशन का जो है वो है इनका जो है वो है। उसके बाद आते हैं हम ट्रू ब्लड रिपोर्ट पर, ये 2 नंबर के मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और जो है इनको कंबाइन करके जो है आपसे 8 मार्क्स के जो है या 16 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो चीजें हैं। तो इन 1971 AICPA जो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स अपॉइंटेड अ ग्रुप टू स्टडी अपॉन द एम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रॉबर्ट एम ट्रूब्लड, तो इसके जो इनके नाम है उनसे ये रिपोर्ट का जो है नाम बनाया गया। द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन इन अक्टूबर 1973 आफ्टर कंसिडरिंग द व्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल एंटिटीज रेसिडेंट्स अकाउंटिंग एसोसिएशन एज वेल एज इंटरनेशनल, और ये जो है नेशनल और इंटरनेशनल अकाउंटिंग एसोसिएशन है उनसे जो कंसिडरेशन जो है ली गई, रिकमेंडेशन ली गई, सजेशन ली गई, तो ये चीजें हैं। तो अब देखते हैं ट्रू ब्लड रिपोर्ट आइडेंटिफाइंग द 12 ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो ट्रू ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के 12 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं, आइए उनको एक बार नजर करते हैं जो है नजर मारते हैं। टू फर्निश पर्टिकुलर्स फॉर कंस्ट्रक्टिव इकोनॉमिक डिसीजंस, कंस्ट्रक्टिव इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए जो है इस तरह के पर्टिकुलर इस तरह की रेलिवेंट जो है डिटेल्स प्रोवाइड करना ताकि आप जो है अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें, इनकम डिसीजंस ले सकें और इकोनॉमिक डिसीजंस जो भी हैं ओवरऑल वो ले सकें। टू असिस्ट यूजर्स having limited access to information and who primarily lean on financial reporting as main document presenting a organization economic activities, तो उन लोगों को assist करना उन लोगों को help करना जो सिर्फ financial data जो है आपकी company का उस पर rely करते हैं अपने financial decisions लेने के लिए। To provide information of likely cash flows to investor and creditor in term of amount, time and ambiguity. तो कहने का मतलब है जो हमारे कैश फ्लोज हैं यानी कैश इनफ्लोज हैं कितना कैश आ रहा है कितना कैश जा रहा है उसकी जो है एक रिपोर्ट है इन्फॉर्मेशन है वो अपने इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो जो है निश्चिंत रह सके कि हाँ भाई हमारा पैसा जो है कंपनी के साथ ना सिर्फ सेफ है बल्कि वो एक जो है हमारी इन्वेस्टमेंट पर अच्छा खासा रिटर्न भी दे पाएगा। टू फर्निश पर्टिकुलर्स यूजफुल फॉर एंटिसिपेटिंग डिफ्रेंशिएटिंग एंड एनालाइजिंग अर्निंग पावर ऑफ एन एंटरप्राइजेस, बिल्कुल सही बात है, एंटिसिपेट करना मतलब जो है एस्टिमेट फ्यूचर का एस्टिमेट करना कि मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई जो आने वाला टाइम है उसके अंदर जो है हम अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो अर्निंग पावर है अर्निंग कैपेसिटी है वो अच्छी खासी रहेगी तो मैं इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। To provide information for ascertaining the management's capability to employ resources of organization effectively in accomplish its primary goal. तो जो primary goal है किसी भी company का उसको जो है accomplish करने का जो है जो चीजें हैं वो भी आप financial statement के द्वारा जो है conclude कर सकते हैं। देखिए अगर financial statements positive हैं जो है growth आपको दिखाई दे रही है तो जाहिर सी बात है कि भाई जो company है वो अपने goals को है बहुत अच्छे से अचीव कर पा रही है और उसका जो goal है profit या wealth maximization का वो बहुत अच्छी तरह से पूरा हो रहा है, तो वो चीजें भी हैं financial रिपोर्टिंग के द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें आसानी से पता चल जाती है कंपनी प्रॉफिटेबल है पिछले 5 साल से 6 साल से 10 साल से लगातार प्रॉफिटेबल है, तो ये बात हम जो है आसानी से जो है कंक्लूड कर सकते हैं हाँ भाई जो इसका प्राइमरी गोल है कंपनी का वो बहुत अच्छे से जो है ग्रो कर रहा है बहुत अच्छे से ये अपना पूरा कर पा रही है, जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है तो ये जो है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है एवेन्यू बन जाएगा।
वो चीज टू प्रोवाइड फैक्चुअल एंड इंटरप्रेटेटिव इंफॉर्मेशन विच आर सब्जेक्ट टू इंटरप्रेट इवैल्यूएट प्रिडिक्ट और एस्टिमेट बाय डिस्क्लोजिंग अंडरलाइन अजम्पशंस। जो बिल्कुल सही बात है, एक ऐसी जो फैक्चुअल जो है इंफॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स हैं हमारे फाइनेंशियल फैक्ट्स जो है कंपनी को लेकर कि हमारे पास कैश कितना है, हमारे पास एसेट्स कितने हैं, इस तरह हमारी लाइबिलिटीज कितनी है, क्रेडिटर्स कितने हैं, वो चीजें जो है, तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो इनके बेसिस पर जो है इन्वेस्टर्स या जो है अपने गवर्नमेंट बॉडीज हैं, कोई भी है प्रोफेशनल बॉडीज हैं, यूजर्स जिनको कहूँ मैं, स्टेक होल्डर्स जो है, वो इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि भाई आगे आने वाले टाइम में इसका क्या सीन रहेगा। वो चीज टू फर्निश अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन व्हिच कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्रीमेंट्स एंड अफेयर्स दैट आर फ्रैक्शन ऑफ इनकम्प्लीट अर्निंग साइकिल रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएशन बिटवीन द हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड करंट वैल्यूज। बिल्कुल सही बात है। तो एक जो है वेरियंस एनालिसिस जो है वो भी किया जा सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा हमारे जो कोस्टिंग है, जो कोस्टिंग कोस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो है स्टैंडर्ड कोस्टिंग करके एक जो है टॉपिक आता है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो अपने बजटेड एक्सपेंडिचर्स हैं या बजटेड जो कोस्ट हैं उनको कंपेयर करते हैं एक्चुअल जो है हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं या एक्चुअल जो हमारे कॉस्ट जो है इनकर की गई है। तो कहने का मतलब है अगर मान लीजिए मैं सोचता हूँ कि जो मैं मेरे जो महीने का एक्सपेंडिचर है वो 10,000 होना चाहिए, तो ये मेरा एक जो है बजटेड एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन वो जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो जाता है वो जाता है 10,500 रुपये। तो ये जो वेरिएशन है 500 रुपये की, इसको जो है हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, ये कहाँ से आई, क्यों आई, फ्यूचर में इसके क्या चांसेस हैं और बढ़ जाने के या कम हो जाने के, वो चीज़ें जो हैं हम जो है उसको स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। तो वो चीजें हैं। और इसके बाद जो है हम ऐसे जो एग्रीमेंट्स हैं जो फ्यूचर गवर्नमेंट के साथ, मान लीजिए हमने कोई एग्रीमेंट कराया, जैसे रिलायंस जियो है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो एग्रीमेंट कर रही है कि 6G जो है, जो क्योंकि क्योंकि 6G जो है जो सॉरी 5G जो है वो अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, 4G के मुकाबले वो 10 से जो है 50 गुना तक ज़्यादा एक्सपेंसिव, उसके अंदर जो है कॉस्ट इनकरेंस है, उसका जो सेटअप है, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स हैं, जो राउटर्स हैं, जो मिलीमीटर वेव राउटर्स हैं, वो जो है लोकेलिटीज़ तक में लगाने पड़ेंगे, तो वो चीज़ें हैं। तो इसके अंदर जो है कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो रिलायंस जियो जो है गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस तरह के जो है एग्रीमेंट कर रहा है, तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो है डिस्क्लोज हो जाते हैं कि भाई जो है फ्यूचर देखिए रिलायंस जियो का कितना जो है ब्राइट दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि उसने गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है। तो जो कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के साथ टाई अप करने के लिए जो है एलिजिबल हो जाती है, या तो उनका जो है फ्यूचर ऑटोमेटिकली जो है एक रिस्क फ्री, जो मैं कह सकता हूँ फ्री नहीं कहूंगा, जो है मिनिमम रिस्क के साथ जो है वो अपने ऑपरेशन कंडक्ट कर सकती है। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का बैकअप होना, पूरी पब्लिक का बैकअप होना, क्योंकि गवर्नमेंट इलेक्ट की जाती है पब्लिक के द्वारा, और गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो पब्लिक के टैक्सेशन से आता है मोस्टली, तो वो चीज़ें हैं। तो अगर कंपनी जो है अपने आप को गवर्नमेंट के साथ अलाइन कर सकती है, तो उसका जो इनडायरेक्ट कहने का मतलब है, तो वो पूरी देश की जो जनता है उसके साथ अपने आप को अलाइन कर गई है। तो अगर आपको किसी कॉरपोरेशन को पूरी देश की जनता का सपोर्ट है, तो उसको उससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। तो ये फाइनेंशियल पोजिशन जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, वो डिस्क्लोज करती हैं कि जो कंपनी का भविष्य है वो कितना ब्राइट है। तो वो चीज़ें टू सप्लाई अ स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच कंटेन्स इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग नेट रिजल्ट ऑफ कंप्लीट अर्निंग साइकिल एंड एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज रिजल्टेड इन नोटिसेबल प्रोग्रेस। तो इस तरह की जो है हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जैसे मैंने आपको बताया था कैश फ्लो जो है तीन चीजों से बनता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जो ऑपरेटिंग होती है वो हमारा प्राइमरी गोल होता है किसी भी कंपनी का, जो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जिस चीज के लिए हमारी कंपनी जो है एस्टैब्लिश करी गई थी, वो चीजें हैं। तो यहाँ पर वो यही बात कह रहा है कि हमारी स्टेटमेंट्स में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि जो है जो, क्योंकि देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हमारे प्राइमरी गोल है, मान लीजिए सैमसंग है तो उसका प्राइमरी गोल मान लीजिए मोबाइल फोन्स बनाना है, तो वो उसकी जो है ऑपरेटिंग, या इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी मैं बात करूं तो है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन जो है उसकी जो है वो एक प्राइमरी गोल हो जाता है, और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं वही हमारा जो है एक नोटिसेबल रेवेन्यू का सोर्स बनती हैं। तो वो चीज़ें हैं नोटिसेबल प्रोग्रेस जो है हमें दिखाती हैं। टू सप्लाई अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी दैट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑन द फैक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन हैविंग और एक्सपेक्टेड टू हैव नोटेबल कैश रिपरकशंस। कहने का मतलब है इस तरह की जो कंटिजेंट लाइबिलिटीज हैं, कंटिजेंट एसेट्स हैं हमारे, उसके बारे में जो है डिस्क्लोज करना बनता है, करना चाहिए, क्योंकि कल को हो सकता है उससे जो है हमको बहुत सारा बेनिफिट हो जाए या बहुत सारा लॉस हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई इंश्योरेंस क्लेम डाला है, तो उससे जो है हमको बहुत ज़्यादा जो है मेजर इंश्योरेंस जो है इनफ्लो हो सकता है, कैश इनफ्लो हो सकता है, और अगर किसी ने हम पर कोई डैमेज क्लेम डाला है तो उससे हमको जो है कैश का काफ़ी सारा आउटफ्लो हो सकता है। तो वो चीज़ें जो है हमको डिस्क्लोज करनी पड़ती है, रिपोर्ट करनी पड़ती है। टू फर्निश पर्टिकुलर वैल्यूएबल ऑफ एंटिसिपेशन प्रोसेस, तो इस तरह से जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो भी हमको जो है प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू सप्लाई पर्टिकुलर वैल्यूएबल फॉर एनालाइजिंग द सक्सेस ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट इन एंकम्प्लिशेस। तो बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट की बात करूँ तो हर साल जो है अपना बजट आता है, तो उसके अंदर यही दर्शाया जाता है। तो बजट भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट की, कि भाई हमारे को इतना जो है पैसा मिला था और हमने जो है इतना जो है हमने जो है बजट में एलोकेट करा है, इतनी इतनी चीजों पर, डिफेंस में इतना करा है, एजुकेशन पर इतना करा है,
जो है, और प्रोजेक्ट्स जो है जैसे गंगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट है, इस तरह की जो भी जो भी जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उनमें यहाँ यहाँ जो है पैसा इन्वेस्ट करा है। तो वो चीज़ें हैं कि भाई जो रिसोर्स हमें मिल रहा है, जो जो पब्लिक से हम टैक्स की कलेक्शन कर रहे हैं, जो जो फ्यूल से टैक्स कलेक्शन हो रहा है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से हमको जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इस तरह से जो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो रिसोर्स है, और उसको किस तरह जो है हमने एलोकेट करना है। तो वो चीज़ें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू हमें दिखाई जा सकती हैं। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी इन्फ्लुएंसिंग सोसाइटी एंड एक्टिविटीज कैन बी असर्टेन्ड एंड कंप्यूटेड। तो जो है सोसाइटी किस तरह जो है, इन ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी जो है वो किस तरह सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रही है। आपने सुना होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके, तो CSR अगर एक्टिविटी है, अगर किसी कंपनी का जो है प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा का है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो उस जो है उनको CSR एक्टिविटी जो है मैंडेटरी हो जाती है। वो चीजें जो है आपकी बैलेंस शीट या डिस्क्लोजर में है, जो आप अगर आप दिखाएंगे तो उससे जो है लोगों में एक पॉजिटिव परसेप्शन इमेज बन जाएगी आपकी कंपनी की। हाँ देखिए, ये जो है सोसाइटी के लिए पार्क बनाया इसने, या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इंस्टीट्यूशन को जो है फंडिंग करी, इस तरह की जो चीजें हैं वो हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्टिंग के द्वारा पता चल जाती है। तो आपकी पॉजिटिव इमेज जो है, गुडविल जो है वो बढ़ जाती है। तो एज पर द ट्रू ब्लड रिपोर्ट, द 7 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक शुड बी देयर इन ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डाइवर्स यूजर। तो ये कुछ क्वालिटेटिव है: रेलिवेंस एंड मटेरियलिटी, सब्सटेंस रादर देन फॉर्म, रिलायबिलिटी, फ्री फ्रॉम बायसनेस, कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। तो ये वही चीजें फिर से दोहराई गई हैं। तो ये बनती है हमारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू ट्रू ब्लड रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद जो है ये फिर से जो है टेबुलर फॉर्म में जो टायर बेस जो है वो चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। तो फाइन फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, नीड ऑफ द यूजर्स, यूजर्स नीड विद रिगार्ड टू एंटिटी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, नीड्स ऑफ द यूजर सेटिस्फाइड बाय द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एंटिटी और इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेटेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये चीजें हैं हमारे जो है, इनके अंदर जो है ऑब्जेक्टिव जो है, जो भी हमने अभी ऊपर पढ़े हैं 1 से लेकर 12 तक, वो उनको इन टीयर्स के अंदर जो डिवाइड किया गया है। Tier 1 में ऑब्जेक्टिव नंबर 1 आता है, Tier 2 में यानी कि जो है नीड ऑफ द यूजर्स जो है उसके अंदर, और 2, 3, 11 और 12 आते हैं। जैसे हमने देखा ये 12 था, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज इन्फ्लुएंसिंग सोसाइटी। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो टीयर वाइज जो है डिवाइड की गई हैं। तो टोटल 12 ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको 5 टीयर में डिवाइड किया गया है। तो ये जो है उसके बाद जो आते हैं इंपॉर्टेंट चीज, वो है कॉर्पोरेट रिपोर्ट। तो कॉर्पोरेट रिपोर्ट जो है 1976 में डिस्कशन का जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड जो है उन्होंने जो है डिस्कस किया था, और वेल्स में। तो इन्होंने जो पब्लिश किया था, रिपोर्ट की थी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टीयरिंग कमेटी जो है उसकी जो है ये रिपोर्ट जो है पब्लिश करी थी कॉर्पोरेट रिपोर्ट को लेकर। द पेपर फोकसेस ऑन द परव्यू ऑफ एंड पर्पस ऑफ नंबर 1 फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इन पब्लिश फॉर्म। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश जो है उस फॉर्म में जो है उनका पर्पस जो है वो डिफाइन करने की कोशिश की गई थी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज, जो रिपोर्ट कर रही है, जो फाइनेंशियल डाटा जो प्रेजेंट कर रही है कॉर्पोरेशन कंपनीज जो है उनकी जो है पब्लिक को लेकर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अकाउंटेबिलिटी है वो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मेन एलिमेंट बींग वर्किंग कॉन्सेप्ट, जो वर्किंग कॉन्सेप्ट है उसको एज अ मेन एलिमेंट लेकर जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है की जानी चाहिए। सुटेबल वेज फॉर मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग द परफॉर्मेंस सिचुएशन एंड सिनेरियो ऑफ द एंटरप्राइज। तो जो जो तरीके हैं वो सुटेबल होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो वेग हो। तो वो चीजें जो है हमारी कॉर्पोरेट रिपोर्ट में 1976 में जो है डिस्कस की गई। द मेन फाइंडिंग्स ऑफ कॉर्पोरेट रिपोर्ट आर, द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ द कॉर्पोरेट रिपोर्ट इज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी शुड स्ट्राइव टू सेटिस्फाई द इन्फॉर्मेशनल नीड ऑफ इट स्टेक होल्डर। तो जो फाइनेंशियल जो पॉइंट है कॉर्पोरेट रिपोर्ट का, वो जो यूजर्स हैं उनकी जो नीड्स हैं, उनका जो इकोनॉमिक डिसीजन लेने हैं, रैशनल डिसीजन लेने हैं, इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने हैं, इस तरह की जो चीजें हैं उनकी जो नीड्स हैं वो जो है पूरी तरह जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए आपकी रिपोर्ट से। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी को जो है समझ नहीं आ रही हैं, जो है उस तरह की जो नीड्स हैं यूजर्स की कि भाई मेरे को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है और मुझे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए, तो ये भी एक जरूरत है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, ये भी एक जरूरत है, रेलिवेंस भी एक जरूरत है। तो ये चीजें हैं, ये आपका जो है एक फंडामेंटल जो है पॉइंट होना चाहिए कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अपने यूजर्स का जो है नीड्स को फुलफिल करें। कॉर्पोरेट रिपोर्ट एज फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव दैट इट शुड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल टू दोज पोजेसिंग फेयर राइट्स टू इन्फॉर्मेशन। तो जिनको राइट है इन्फॉर्मेशन का, जो कि सबको ही है आजकल, तो वो चीजें हैं। तो कॉर्पोरेट रिपोर्ट के थ्रू जो है वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन उन सबको मिलनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इकोनॉमिक मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड परफॉर्मेंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। तो कॉर्पोरेट रिपोर्ट आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ यूजर्स, तो ये कुछ यूजर्स हैं जिनको कॉर्पोरेट जो रिपोर्ट है उसने क्लासिफाई किया था। तो इक्विटी होल्डर्स ग्रुप, जो हमारे इक्विटी शेयर्स हैं उनका जो ग्रुप है कि भाई हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हैं। लेंडर्स ग्रुप यानी कि जिन्होंने हमको उधार दिया है, जिनको क्रेडिटर्स बोलते हैं, वो बैंक हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकते हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो है। उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयज, जो हमारी वर्क फोर्स है, जो लोग हमारे हमारे जो गोल है मैनेजमेंट का जो गोल है उसको पूरा करने में जो है दिन रात मेहनत करते हैं। एनालिस्ट एडवाइजर ग्रुप, जो हमारे जो
ऑपरेशन साउंड को एनालाइज करते हैं, उनको जो है उनमें इंप्रूवमेंट्स जो है वो प्रोस्पेक्ट्स देखने की कोशिश करते हैं, और जो हमारा एडवाइजरी ग्रुप होता है जो हमें एडवाइस करता है, इसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ सकते हैं, जो है CS आ सकते हैं, उसके बाद हमारा जो है लीगल एडवाइजर्स आ सकते हैं, वो चीज़ें हैं। उसके बाद जो सप्लायर ग्रुप है, क्योंकि जब तक हमें कोई सप्लाई नहीं करेगा चीज़ों का जो हमें बनाना है, जो मैनुफैक्चर करना है कोई भी चीज़ है, तो वो सप्लायर ग्रुप भी जो है हमारा यूज़र बन जाता है। गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा जो है हमारा यूज़र बनता है, हमारे अगर उनके इंटरेस्ट जो है हमारे इंटरेस्ट के साथ, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के साथ अलाइन कर सकते हैं, तो ये तो बहुत जो है प्रॉफिटेबल बात होती है। और पब्लिक, क्योंकि पब्लिक जो है वही फ्यूचर इन्वेस्टर जो है बनती है। आइडेंटिफाइड द नीड फॉर एडिशनल मेजर ऑफ परफॉर्मेंस इन कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स ऑफ एंटिटी सच एज, कुछ और एडिशनल नीड्स थी, मेजर्स थे जो हम जो है अपनी कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो वो चीज़ है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू एडिड। तो वैल्यू एडिशन जो है आजकल जो है बड़ा कॉमन जो है हॉट टॉपिक बना हुआ है, कि वैल्यू जो है ऐड की जाएगी तभी आपको जो है जो आपकी जो वैल्यू है जो मार्केट में गुडविल है वो इम्प्रूव हो सकती है। आप जो वैल्यू एडिशन है वो कितनी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक एक एम्प्लॉई हैं और आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपसे ये पूछता है कि भाई मैं तुमको मान ले जो है 10 लाख जो है पैकेज पे रख रहा हूँ एनुअली, तो वो यही आपसे जो चाहता है कि अगर वो आपको 10 लाख पे रख रहा है तो आप जो वैल्यू एडिशन जो कंपनी में कर रहे हैं वो मल्टीफोल्ड करेंगे। मैं आपको 10 लाख दे रहा हूँ तो आप जो वैल्यू एड कर रहे हैं हमारी कंपनी में तो वो जो है मल्टीफोल्ड होनी चाहिए, आप 1 करोड़ 10 करोड़ की जो है हमारी वैल्यू जनरेट करके देंगे। तो वो चीजें हैं, उस तरह से आपकी जितनी ज्यादा आपकी वैल्यू एडिशन जो फैक्टर होगा उतनी ज्यादा आपकी जो है क्रेडिबिलिटी वो बढ़ जाएगी। दिस स्टेटमेंट शोज हाउ द वैल्यू एडिशन क्रिएटेड बाय कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉई शेयर्ड बाय दोस कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स क्रिएशन। तो वही चीज एंड रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जो है वो देनी पड़ती है, उससे जो है एंटिटी का जो है वर्कफोर्स का जो है उससे हमें आइडिया मिल जाता है। देखिए एक जो चीज़ होती है ना लेबर टर्नओवर करके, आपने अगर सुनी हो, तो कहने का मतलब ये है कि लेबर टर्नओवर जो है वो डिस्क्लोज करनी पड़ती है, लेबर कॉस्ट जो है डिस्क्लोज करनी पड़ती है, उससे पब्लिक को या स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये आइडिया हो जाता है कि इस कंपनी में जो है लोग कितनी ज़्यादा देर तक रुकते हैं, कितनी ज़्यादा देर खुश हैं काम करके कंपनी के साथ। तो वो चीज़ें जो है हमें जो है लेबर टर्नओवर जो है रिपोर्ट से पता चलता है। मान लीजिए कोई कंपनी है जो जिसके एम्प्लॉय जो है वो 6-7 महीने का लेबर टर्नओवर जो पीरियड है वो इतना ही है कि भाई वो सिर्फ 6-7 महीने काम करते हैं और उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं, और कोई कंपनी ऐसी है जिसके अंदर लोग जो है 15-15, 20-20 साल जो है काम करते हैं और वो छोड़ के नहीं जाते। तो ये जो है टर्नओवर जो है इससे जो आपकी कंपनी की जो एक इमेज है लोगों में वो जो है अच्छी हो जाती है। तो वो है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ एंटिटीज, मतलब कितना बड़ा जो है आपका जो है वर्कफोर्स का साइज है। जैसे अगर मान लीजिए मैं बड़ी कंपनीज की बात करूं तो उसके अंदर जैसे सैमसंग हो गया, उसके अंदर भाई 3-4 लाख, 5 लाख, 6 लाख जो है एम्प्लॉयज जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जुड़े हुए हैं। तो वो चीजें कंट्रीब्यूशन मेड एंड बेनिफिट्स अर्न्ड बाय इट्स एम्प्लॉयज, तो वो चीजें इसके अंदर रिपोर्ट में आती है। अ स्टेटमेंट शोइंग मनी एक्सचेंजेस विद गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के साथ जो है हमारा कितना जो है एक्सचेंज हुआ, क्या हुआ, जो ट्रेड हुआ, उस तरह की चीजें जो है गवर्नमेंट के साथ हमें पब्लिश करनी पड़ती है। स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन इन फॉरन करेंसी, हमने फॉरेक्स में जो है कितना जो है ट्रेड किया, हमने फॉरन कंट्री के साथ जो है फॉरन कॉरपोरेशन के साथ जो है कितनी चीजें जो है शेयर करी हैं, क्योंकि देखिए फॉरेन के साथ चीज़ें का साथ जो एक जो हमारा जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेकर वो ये है कि जब आप एक डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलप्ड कंट्री के साथ जो है एक्सचेंज करती है किसी भी चीज़ का, चाहे वो ट्रेड का हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन का हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, तो उससे कहीं ना कहीं जो है डेवलपिंग कंट्री का जो है फायदा होता है। और कंपनीज जो है वो हमेशा ही एक ग्रोथ स्टेज पर रहना प्रेफर करती हैं, वो ना तो मैच्योरिटी स्टेज पर जाना प्रेफर करती हैं, वो चाहती हैं कि जो है हमारे जो अगला साल है वो पिछले साल से ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबल रहे, ज़्यादा जो है एक्सपेंशन हो, उस तरह की चीज़ें जो है। तो वो जो है हमारे जितना ज़्यादा हमारे जो फॉरन करेंसी में जो है हमको दिखाई देगा कि भाई इस कंपनी ने जो है फॉरेन में बहुत ज़्यादा जो है पैसा जो है इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है, तो उससे जो हमारा जो एक यूज़र का पर्सपेक्टिव है वो ये रहेगा कि हाँ भाई कंपनी का जो फ्यूचर है वो अच्छा है। तो उस तरह की जो चीज़ें हैं उससे जो है हमारी परफॉर्मेंस भी जो है एनालाइज की जा सकती है। स्टेटमेंट ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की भाई सॉरी फ्यूचर में जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनी जो है अगर 5G में जो है फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रही है या रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही है, तो वो एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है वो वहाँ पे प्रॉफिटेबल बन जाता है। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, इट शोज द मैनेजमेंट फिलोसफी एंड स्ट्रेटेजिक टारगेट ऑफ एन एंटिटी, जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, फिलोसफी क्या है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की, कंपनी की साइकोलॉजी क्या है, वो चीज़ें जो है वो इस रिपोर्ट में आती हैं। तो ये फिर से वही चीज़ आ गई, रेलिवेंस, कंप्लीटनेस, रिलायबिलिटी, टाइमलीनेस, कंसिस्टेंसी, ऑब्जेक्टिविटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो ये कुछ भी जो है इसके अंदर नया नहीं है, वही चीज़ें बार बार जो है घूम फिर के आ रही हैं, बस कुछ रिपोर्ट्स जो है रिपोर्ट है उनका जो है स्कोप वाइडर है, कुछ का जो है नैरो है। तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद जो आती हैं हमारी जो है सीका स्टैंप रिपोर्ट है, यानी कि जो कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके द्वारा जो दी गई जो स्टैंप रिपोर्ट है उसको जो उस वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को जो डिस्क्राइब उन्होंने कैसे किया, तो वो चीज़ें हैं। इट आइडेंटिफाइज द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग
जो है वो ये है, टू फर्निश इन्फॉर्मेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट इन्वेस्टर्स बाय मैनेजमेंट शुड कन्वे द सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइज। तो वही चीजें हैं, ये बार बार घूम फिर के जो है अलग अलग शब्दों में रिफ्रेस की गई है कि जो है मैनेजमेंट को इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए जो, तो ताकि उनके जो इक्विटी और डेट होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं और जो हमारे लेंडर्स हैं, उनको ये पता चल सके जो उनका पैसा है वो सेफ है और जो क्या नाम है अपनी जो उनका डेट है, जो उन्होंने पैसा दिया है उसके ऊपर उनको जो है टाइमली इंटरेस्ट और रिटर्न जो है मिल जाएंगे। तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद आती हैं टू सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू दोज हु आर इन चार्ज ऑफ टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ऐसे यूजर्स जो ऐसे पब्लिक हैं जिनको जो है फ्यूचर के डिसीजन अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर लेने हैं, तो उनको इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करनी है। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स इन्फॉर्म दैट मिनिमाइज द एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब है कोई शक जो है वो जो कोई कोई जो डाउट अगर कोई इंसान के दिमाग में है तो इस तरह का जो है वो मिनिमाइज हो जाना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के। तो फिर से अंडरस्टैंडेबिलिटी और रेलिवेंस की बात जो है यहाँ पर आ गई। टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड रेगुलेटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन सच अ वे दैट अलाउ सफिशिएंट एरिया फॉर इवोल्यूशन एंड इनोवेशन एज इंप्रूवमेंट बिकम्स वर्केबल। तो वो जो है फ्यूचर जो है हमारा वो जो है प्रिडिक्ट करा जा सके, कंक्लूड करा जा सके हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। टू डेवलप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर्स हु हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो यूजर्स की नीड्स हैं उनके हिसाब से जो है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उनको रिपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद जो आता है हमारा ISB कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इसको जो है हम अपने अगले लेक्चर में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए आप अपना जो है इतना पार्ट जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। तो ये जो ISB कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, PSB कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, इनको हम अपने आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर पूरा करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर भी जो है वो पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और तब तक के लिए धन्यवाद।